तो हेलो भैया, नमस्कार मेरी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज की फिर से नई वीडियो ले आ चुका है, आज के जो वीडियो बहुत ही गजब की होने वाला है। सिंपली गाइस, जैसा कि आपने इस थंबनेल में देखा होगा, जो दोस्तों यहाँ पे मैं फोटो के साथ दोस्तों स्टाइलिश नेम आर्ट वीडियो आप कैसे बना सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पर एक बार दिखा देता हूँ वीडियो को, आप गाइस यहाँ पे आप वीडियो को देख सकते हैं। तो सिंपली गाइस, जैसा कि ये वाला वीडियो दोस्तों आप बना के दोस्तों अपने टिकटॉक पे दोस्तों कहीं भी दोस्तों पोस्ट करते हैं या स्टेटस लगाते हैं, दोस्तों आपका फ्रेंड है दोस्तों बिल्कुल भी हैरान होने वाला है। सो गाइस, आपको ये कहना है सिंपली आप 2 मिनट के अंदर दोस्तों इस वीडियो को बना सकते हैं गाइस, बिल्कुल ही मतलब कह सकते हैं ईजी है। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ दोस्तों आपको इस वीडियो को बनाने के लिए काइन मास्टर की जरूरत होगी गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं काइन मास्टर मेरे पास है, ठीक है। एंड गाइस, आपको बता दूँगा दोस्तों आप काइन मास्टर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रखे, तो गाइस आप दोस्तों मोड एप्लीकेशन काइन मास्टर का डाउनलोड कीजिए दोस्तों। इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सिंपली गाइज, आपको ये कहना है जो भी दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं गाइज, उसके टाइटल पे क्लिक करना है। तो सिंपली कैसे यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करते हैं गाइज, आपको यहाँ पे नीचे दोस्तों लिंक मिल जाएगा गाइज। यहाँ पे क्या करना है आपको दोस्तों, लिंक पे दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं काइन मास्टर का जो लिंक है गाइज यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो सिंपली गाइज क्या करना है आपको, यहाँ पे काइन मास्टर को डाउनलोड करना है। एंड डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको इंस्टॉल वगैरह कर लेना है। एंड गाइज, आपको साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे एक वीडियो का लिंक मिलेगा दोस्तों, जो फायर वीडियो का लिंक दोस्तों, जो यहाँ पे जो अपने स्मोक वाला वीडियो देखा था गाइज, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आपको इसको भी डाउनलोड करना है, ठीक है गाइज। आपको दोनों डाउनलोड कर लेना है, अगर दोस्तों आपके पास काइन मास्टर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं काइन मास्टर को, ठीक है। सो गाइज, आपको यहाँ कहना है सिंपली, जैसे आप काइन मास्टर इंस्टॉल वगैरह कर लेते हैं गाइज, आप काइन मास्टर में इस वीडियो को आप बना सकते हैं। तो गाइज चलते हैं काइन मास्टर ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली गाइज, आपको ये कहना है सिंपली गाइज, यहाँ पे जैसे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। एंड गाइज, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद गाइज, आपको ये कहना है सिंपली यहाँ पे जो 69:9 का देख सकते हैं, यहाँ पे 69:9 का है गाइज, इसको सेलेक्ट करने के बाद गाइज, आपको क्या कहना है जो दोस्तों आपने यहाँ पे जो स्मोक वाला वीडियो डाउनलोड किया था गाइज, उस वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइज करना क्या है, मीडिया पे जाना है। एंड गाइज, यहाँ पे मीडिया पे जाने के बाद दोस्तों आपने जो दोस्तों अभी डाउनलोड किया था उस वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो गाइज सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या कहना है, सिंपली गाइज यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे आगे कट कर सकते हैं गाइज, ठीक है, जहाँ से आपका ये स्मोक शुरू होता है गाइज, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे यह ना वीडियो पे क्लिक करना है। एंड कैची वाले निशान पे क्लिक करके दोस्तों आपको क्या कहना है, सिंपली यहाँ पे जैसे ट्रिम टू लिफ्ट पे करके क्लिक करके आपको कट कर देना है गाइज, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको क्या कहना है, सिंपली यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है। एंड गाइज लेयर पे क्लिक करने के बाद सिंपली गाइज आपको यहाँ पे मीडिया पे जाना है। एंड मीडिया पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक फोटो का दोस्तों जो बैकग्राउंड है उसे इरेज करना है, ठीक है। दोस्तों आप जो भी फोटो यहाँ पे लगाना चाहते हैं गाइज, यहाँ पे उस फोटो को है ना बैकग्राउंड को इरेज करना है। तो सिंपली गाइज मैं बैकग्राउंड इरेज करना है दोस्तों आपको 2 सेकंड में बता दूंगा किस प्रकार आप कर सकते हैं 2 सेकंड में। तो गाइज पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसको मैं आपको बताऊंगा आप फोटो का जो दोस्तों बैकग्राउंड है कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली गाइज आपको क्या कहना है गाइज, यहाँ पे जो मैंने फोटो यहाँ पे बैकग्राउंड इरेज कर रखा है गाइज, ठीक है। तो गाइज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे दोस्तों जो थोड़ा सा अदर पार्ट है गाइज यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। अब गाइज आपको यह ना सिंपली फोटो लगाने के बाद दोस्तों इस फोटो को यहाँ पे पूरा लंबा कर देना है, ठीक है, आपको लास्ट तक कर देना है। एंड साथ ही गाइज आपको इस फोटो को थोड़ा सा बड़ा कर लेना, जैसे कि दोस्तों अपने हिसाब से परफेक्ट हिसाब से कर लेना गाइज, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फोटो को यहाँ पे हिसाब से थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। तो गाइज आप अपने फोटो के हिसाब से कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा, ठीक है। अब गाइज आपको क्या कहना है, सिंपली गाइज फोटो वाले देख सकते हैं जो ऑप्शन है गाइज, इसमें क्या करना है, नीचे जाना है। एंड नीचे और जाने के बाद दोस्तों आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, जो काइन मास्टर मोड एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। सिंपली गाइज यहाँ पे क्या कहना है, ब्लेंडिंग पे भी क्लिक करना है। एंड गाइज उसके बाद आपको यहाँ पे ओवरले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ओवरले पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो फोटो जिससे बहुत ही गजब की लगने वाली है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सिंपली गाइज आपको कहना है ओवरले क्लिक कर देना है। एंड गाइज उसके बाद उसको क्या कहना है, फिर से लेयर पे क्लिक करना है। एंड सिंपली गाइज आपको यहाँ पे टेस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। टेस्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों आपका जो भी नाम है दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि दोस्तों मेरा नाम यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं सिंटू लिख लेता हूँ गाइज, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंटू लिखता हूँ। एंड उसके बाद लिखने के बाद दोस्तों, नाम लिखने के बाद आपको क्या कहना है, सिंपली यहाँ पे इसे बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। एंड फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये कहना है, जो भी दोस्तों आपको यहाँ पे फॉन्ट आपको अच्छा लगे गाइज, ये वाला फॉन्ट जो भी अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फॉन्ट डाउनलोड कर रखा है गाइज, ये वाला फॉन्ट देख सकते हैं गाइज, आपको भी डाउनलोड करना है। तो सिंपली गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला गेट मोर वाले ऑप्शन पे जाना है एंड डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो गाइज आपको यहाँ पे नेट ओपन करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आप एंड्रॉइड से यहाँ पे क्लिक करते हैं तो गाइज आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट मिल जाते हैं गाइज, वो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेना है गाइज, ठीक है। तो गाइज जैसे आपका फॉन्ट यहाँ पे जो भी अच्छा लगे सिलेक्ट कर लेना है गाइज, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला फॉन्ट कर लेता हूँ, ठीक है।
एंड उसके बाद क्या करना है गाइज, आपको इस जो दोस्तों टेस्ट है गाइज, इसका जो दोस्तों कलर है गाइज, वो आपको क्या करना है येलो कर देना है गाइज। यहाँ पे जैसे कलर वाले ऑप्शन पे जाना है एंड उसके बाद तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कलर येलो सेलेक्ट कर लेना है। कलर येलो सेलेक्ट करने के बाद तो आपको इस वीडियो को बड़ा कर देना है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट तक कर देता हूँ गाइज, ठीक है। एंड गाइज आपको यह ना इसमें भी दोस्तों आपको ब्लेंडिंग का जो ऑप्शन है नीचे जाना है एंड ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद गाइज आपको यह कहना है इस पर भी ओवरले पे क्लिक कर देना है। सो गाइज आपका दोस्तों वीडियो बिल्कुल बन चुका है गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा जो एडजस्ट है दोस्तों, यहाँ पे जो छोटा बड़ा करना है आप कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली गाइज देख सकते हैं आपका वीडियो बिल्कुल बन चुका है गाइज। आपको यह ना सिंपली यहाँ पे जो भी ऑडियो दोस्तों लगाना है गाइज, आपको यह कहना है सिंपली यहाँ पे ऑडियो वाले पे क्लिक करना है एंड गाइज ऑडियो से भी यहाँ पे जो भी ऑडियो आपको यहाँ पे लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप ऑडियो नहीं लगाना चाहते हो गाइज, अगर जैसे कि आपको दोस्तों क्या करना है, आपको लेयर पर क्लिक करना है एंड दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी दोस्तों आप वीडियो डाउनलोड कर रखे गाइज, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक वीडियो डाउनलोड कर रखा है गाइज, जैसे कि ये वाला वीडियो, ठीक है। तो गाइज आपको यह कहना है यहाँ पे वीडियो का दोस्तों जो ऑडियो यहाँ पे आप बाहर ले सकते हैं, जैसे गाइज आपको यह कहना है सिंपली कैचे पे निशान पे क्लिक करना है एंड स्ट्रेट ऑडियो क्लिक करके दोस्तों इसका जो ऑडियो है यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे नीचे बिल्कुल आ चुका है गाइज। तो गाइज आप इस वीडियो को दोस्तों डिलीट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो गाइज अब यहाँ क्या करना है दोस्तों, आप वीडियो से भी ऑडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं गाइज, आपको जो भी अच्छा ऑडियो लगे गाइज आपको यह कहना है उस ऑडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड गाइज इस वीडियो का दोस्तों जो आवाज़ है गाइज आपको यह कहना है यहाँ पे बंद कर देना है, ठीक है, अगर दोस्तों आप दूसरा ऑडियो लगाते हैं, ठीक है। तो सिंपली गाइज आपका जैसे वीडियो बन जाता है तो गाइज आपको यह कहना है गाइज यहाँ पे इस तरह शेयर वाले ऑप्शन पे जाना है एंड गाइज शेयर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी दोस्तों अच्छा क्वालिटी लगे जैसे कि फुल एचडी या एचडी में गाइज आपको यह कहना है एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने से दोस्तों आपका जो वीडियो है गाइज वो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा एंड वहाँ से आप वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अब चलते हैं, आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों फोटो का जो दोस्तों बैकग्राउंड कैसे इरेज कर सकते हैं सिंपली दोस्तों आप 2 सेकंड में, ठीक है। तो गाइज आपको यह कहना है सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। सिंपली गाइस सबसे पहले आपको यह कहना है अपना नेट ओपन कर लेना है। नेट ओपन करने के बाद दोस्तों आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। उस वेबसाइट का दोस्तों जो नाम है गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं लिख के दिखा देता हूँ। सिंपली गाइस आपको लिखना है रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। तो गाइस आप रिमूव बीजी भी लिख सकते हैं, जैसे गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आप रिमूव बीजी भी लिख सकते हैं या रिमूव बैकग्राउंड आप लिख सकते हैं गाइस। जैसे आप ये रिमूव बैकग्राउंड लिखते हैं गाइस, आपको यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक मिल जाता है रिमूव बीजी का, ठीक है, इस पर क्लिक करना है एंड गाइस क्लिक करने के बाद गाइज उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड फोटो का, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज, आपको ये करना है इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपने दोस्तों फाइल में से एक फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि जो भी दोस्तों आपको फोटो अच्छा लगे, या क्या करना है आपको फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे गाइज यहाँ पे मैं करता हूँ फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज आपको क्या करना है, फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिलेक्ट करने में ओके कर देना है एंड ओके करने के बाद दोस्तों आपको 2 सेकंड के अंदर दोस्तों आपका जो दोस्तों बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा सिंपली गाइज, ठीक है। तो जैसे आपका जो बैकग्राउंड देख सकते हैं इरेज हो चुका है गाइज, आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना है एंड गाइज जैसे आप फोटो पे क्लिक करते हैं आपका फोटो डाउनलोड हो जाएगा आपके गैलरी में, ठीक है। तो गाइज इस ट्रिक से दोस्तों आप बिल्कुल दोस्तों किसी भी फोटो का दोस्तों बैकग्राउंड दोस्तों 2 सेकंड के अंदर में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं एंड दोस्तों बैकग्राउंड को भी आप लगा सकते हैं। तो सो गाइज अगर दोस्तों मैं जानता था दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो गाइज वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन इनेबल कर लीजिए गाइज, जिससे भी कोई भी वीडियो अपलोड कर दूं गाइज आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइज मिलते हैं और भी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।